नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। साइबर सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और नागरिक अस्पताल के लगातार गिरते स्तर पर बार बार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ना तो यहां के विधायक, ना सांसद और ना ही संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को इससे कुछ फर्क पड़ता है। ऐसा ही एक ताजा शर्मनाक मामला गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल से सामने आया है, जहां एक मृत व्यक्ति का पार्थिव शरीर 15 घंटे से भी ज्यादा समय तक शव गृह भेजे जाने के इंतजार में एक कबाड़ से भरे कमरे में पड़ा रहा, जिस कमरे को नागरिक अस्पताल के अधिकारियों ने डेड बॉडी रूम बनाया हुआ है। वहां मृतक को अस्पताल की कई टूटी कुर्सियों, स्ट्रेचर और मिट्टी से भरे सामान के बीच रखा जाता है। मृतक के परिजनों के बार बार कहने पर जैसे ही डेड बॉडी रूम का दरवाजा खोला गया, सभी वहां की हालत देखकर हैरान रह गए। वहां पार्थिव शरीरों को गंदगी के बीच रखा हुआ था, ना तो वहां किसी तरीके के कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था थी और ना ही साफ सफाई की, बल्कि वहां मिट्टी और गंदगी से भरी अस्पताल की कई टूटी कुर्सियों और टेबल के साथ 2 मृतकों के शव रखे हुए थे। जी, मेरा नाम पारस जुनेजा है। देखिए, कल रात को यहाँ पर एक जानकार के मृत्यु हो जाने की वजह से मुझे अपने यहाँ पे आना पड़ा था। यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि जिस व्यक्ति की डेथ हुई थी वो यहाँ हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही गुजर चुके थे, हमें लगा था उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ आए तो जो उस टाइम पे ड्यूटी डॉक्टर थे, उन्होंने हमसे पूछा कि आप क्या पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं इनका या कैसे, तो हम कम्फर्टेबल थे दोनों चीज़ों के अंदर। तो यहाँ पर PI कटवाई गई एक बार कि उनके पोस्टमार्टम को आगे प्रोसीड करने के लिए। रात को इन्होंने हमें बोला कि जो एरिया है यहाँ पे थाना लगता है सेक्टर 10 का, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और कल सुबह यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए उस बॉडी को ले जाया जाएगा। आज हम लोग सुबह जब यहाँ पे पहुँचे, पहले तो कुछ कारणों से कभी ये बोला गया कि जो रहने वाले थे वो दिल्ली के थे और जो यहाँ का थाना नहीं लगता वो दिल्ली का थाना लगता है, तो इस चीज़ में थोड़ा सा वक्त जो है इनका ख़राब होता रहा। आज 15 घंटे से भी ज़्यादा, बिकॉज कल रात को 9:30 बजे वो बॉडी यहाँ पे उन व्यक्ति को यहाँ पे लाया गया था, आज दोपहर को 2 बजे उस बॉडी को यहाँ से रिलीज़ करवाया गया है। जब ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डेड बॉडी रूम है, यहाँ पे जब उस रूम को खोला गया तो हम सभी देख के अचंभित रह गए थे, क्योंकि इस रूम के अंदर को इस रूम और डेड बॉडी रूम लिखा तो गया है, लेकिन यहाँ पे ऐसे कूड़ेदान जैसे होता है, यानी कि अस्पताल के पुराने टूटे हुए बेंचेस, चेयर्स, वो सब यहाँ रखी हुई है। और उस व्यक्ति को के साथ साथ एक बॉडी और भी थी जो कि इतनी सी जगह में एडजस्ट ज़बरदस्ती घुसा के इन लोगों ने रखी हुई थी। कहते हैं कि देखिए, किसी की मृत्यु हो जाए तो देखिए मृत्यु के बाद भी उसके शरीर का एक सम्मान होता है। यहाँ पे डालने के लिए उनके पास जो कपड़ा भी उन्होंने रखा हुआ था वो नीचे गिरा हुआ था साइड में। ये पहली बार नहीं हुआ, पिछली बार कुछ वक्त पहले की बात है, यहाँ पर मैं आया था तो एक बुजुर्ग व्यक्ति, आई थिंक मजदूर कोई थे, जिनकी हो सकता है हार्ट अटैक से या कोई हादसे के अंदर मृत्यु हुई होगी, 1 से 1.5 घंटे तक उनकी बॉडी यहीं पर एक स्ट्रेचर पर पड़ी रही। फाइनली मुझे अपनी गाड़ी से एक जो है अपनी एक शर्ट पड़ी थी पुरानी, उससे उनका चेहरा ढकना पड़ा। इस अस्पताल के पास तो उस पर ढकने के लिए कपड़ा तक नहीं था। जिस शहर को ये लोग मिलेनियम सिटी बोल रहे हैं, जिस शहर की ये बार बार बोलते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हम लोगों ने कर दी है, ये क्या हाल क्या मचा के रखा हुआ है यहाँ पे। ऐसे में प्रशासन की स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं गंभीर सवालों के घेरे में है। एक समय था कि जब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अस्पताल की छतों पर चढ़कर मुआयना करते थे, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि साइबर सिटी के सरकारी अस्पताल का चक्कर काटने का भी समय नहीं है इनके पास। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच, और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।